सुजानगढ़ उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। मंत्री भंवर सिंह भाटी, पीसीसी उपाध्यक्ष गोविंद मेघवाल, जोधपुर विधायक मनीषा पवार, प्रदेश सचिव जिया उर रहमान आरिफ, फूल सिंह ओला प्रचार में जुटे हुए हैं। मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि भाजपा कुछ भी कर ले, 36 कौम कांग्रेस के साथ है। गांधीवादी सीएम पर जनता को भरोसा है। वहीं गोविंद मेघवाल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्मृति ईरानी के दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गैस की टंकी लेकर प्रदर्शन करने वाली स्मृति की स्मृति में है कि नहीं, जनता त्रस्त है। संवाददाता लक्ष्मण राघव ने की मंत्री विधायकों से बातचीत। देखिए, जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, दोनों ही दल जातिगत समीकरणों पर भी फोकस कर रहे हैं। भाजपा ने किसान नेताओं की फौज उतारी हुई है, कांग्रेस भी कोशिश कर रही है। प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी डे फर्स्ट से यहाँ कैंप किए हुए हैं। कहीं ना कहीं कोशिश है राजपूतों को साधने की। आज एक सम्मेलन भी राणा राजपूत का है। दलित नेता हैं गोविंद मेघवाल, विधायक हैं, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। फूल सिंह ओला हैं जो जाट नेता हैं। तो तमाम कोशिशें हो रही है, लेकिन हम बात शुरू करते हैं मंत्री भंवर सिंह भाटी से, जो प्रभारी मंत्री हैं। लंबा अनुभव अब हो गया है, डे फर्स्ट से आप लगातार मशक्कत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं कि साहब दरवाजे पर मंत्री आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस के साथ क्या जनता जा रही है, और दूसरी बात, भाजपा ने तो किसान नेताओं की फौज उतार दी है, तो क्या काट है आपके पास? देखिए, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हम लोग पिछले कई दिनों से, चूंकि मैं तो चूरू ज़िले का प्रभारी मंत्री हूं, उस हैसियत से भी मुझे चूरू ज़िले के हर विधानसभा क्षेत्र में जाने का अवसर मिला। जहां तक सुजानगढ़ के उपचुनाव की बात है, तो ये चुनाव जाति से जुड़ा हुआ चुनाव नहीं है। मास्टर भवनलाल जी 36 कौम से जुड़े हुए नेता थे। वो एक दलित नेता जरूर थे, लेकिन उनका जो जुड़ाव था वो जाट, राजपूत, ब्राह्मण, मुस्लिम, हर वर्ग और हर जाति से, हर धर्म से वो जुड़े हुए थे। और आज हम हर गांव और ढाणी में जा रहे हैं, रोजाना दर्जनों गांव में हम जाते हैं। तो मास्टर भंवरलाल जी के द्वारा जो काम किए गए थे, और हमारे अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री है, उनकी जो सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं, उनकी जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ कुठाराघात कर रही है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है पूरे इलाके में। तो निश्चित रूप से सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लोग अब चुनाव के समय आए हैं, और चुनाव के समय आकर के वो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने कई बार, यहाँ बीजेपी के विधायक रहे, लेकिन यहाँ का जो विकास है वो मास्टर भंवरलाल जी ने किया था। आज जिला बनने की तरफ सुजानगढ़ आगे बढ़ रहा है, सारी सुविधाएं यहाँ हैं। राणा राजपूतों का सम्मेलन आप लोग कर रहे हैं, क्या मैसेज है? ये सामाजिक सम्मेलन भी कर रहे हैं आप साथ साथ? देखिए, ये तो अलग अलग मीटिंग्स हमारी हो रही है। आज राणा राजपूत समाज के द्वारा उनकी हमारे कांग्रेस पार्टी की विधायक मनीषा पंवार जी और समाज के इनके जो भी पदाधिकारी हैं, सब लोगों के द्वारा 11 बजे एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और वो मनोज मेघवाल को समर्थन दे रहे हैं आज, और न सिर्फ राणा राजपूत, मैं कहना चाहूँगा कि हर समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं। व्यापार मंडल के लोग, पूरे सुजानगढ़ के व्यापार मंडल के लोग आगे आकर के उन्होंने राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर कांग्रेस पार्टी के ऊपर, अशोक गहलोत जी के ऊपर, और मनोज मेघवाल जो मास्टर भंवरलाल जी का सुपुत्र है, उनके ऊपर उन्होंने विश्वास जताया है। क्योंकि कांग्रेस ने काम किया है, और आगे भी यहाँ के लोगों को विश्वास है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। ने काम किया है, स्मृति ईरानी आ रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं, वसुंधरा जी तो नहीं दिख रही, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया आज साड़ा में सभा करने वाले। गोविंद जी, आपका तो वो अनुभव भी है, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक सिंधिया जी की बात है, सिंधिया जी एक जमाने में राहुल गांधी जी के राइट हैंड थे और बहुत कदावर नेता थे, लेकिन जो उन्होंने एक्शन किया एमएलए तोड़ के, कांग्रेस में जीते हुए एमएलए तोड़कर जिस तरह से वो भाजपा में गए, उनका कद बिल्कुल घट गया, कमज़ोर हो गए। और आने वाले समय में सिंधिया जी की वो हालत होगी कि ये वापस आने के लिए आतुर रहेंगी। सुंदर राजे जी को लेकर आप लोग बहुत बात कर रहे थे बार बार, आपकी प्रदेशाध्यक्ष भी बोले यहाँ पर आए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस को ज़्यादा चिंता है सुंदर राजे की। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ी वो है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कदावर नेता होता है ना, उसको गिराने में 2 मिनट लगाती है। वसुंधरा जी राजस्थान की कदावर नेता है, जन नेता है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए आप कि आज उसको काटने के लिए ये मोदी जी हैं। मोदी जी एकमात्र तानाशाह बन के रहना चाहते हैं। सोनिया गांधी हमेशा अपने वसुंधरा जी जो है हमेशा उनका विरोध करती रही है, इसलिए ये वसुंधरा जी को इसलिए काट रहे हैं कि कहीं उनकी प्रधानमंत्री वाली कुर्सी पर दावा ना करते। क्या दलित वोट बैंक को लेकर क्या उम्मीद है आप घूम रहे हैं? दलित वोट मैं पूरे गांव में, करीब 40 गांव में घूमा हूँ, 95% अनुसूचित जाति का वोट भंवरलाल जी की सहानुभूति
और भवन लाल जी के बेटे मनोज को वोट मिलेगा। देखिए राजनीति में जाति जाति नहीं है, हम कितनी बातें कर लें, आज भी आज़ादी के इतने दशकों के बाद भी किसान अभी केंद्र में है, क्या कहेंगे आप किसान आंदोलन को लेकर? राहुल कस्वा कह रहे हैं कि साहब आप काला समझा ही नहीं पा रहे, काला है क्या इन कानूनों में? किसान आंदोलन जिस प्रकार से पिछले 4-4.5 महीने से पूरे देश में चरम पे है, और राहुल कस्वा जी जो बात कह रहे हैं किसानों को हम बहुत अच्छी तरह से समझाने की ज़रूरत नहीं है, किसान बहुत अच्छी तरह से समझा हुआ है, और ये तीनों कालों कानून एक्चुअल में इतने खतरनाक हैं, ये देश का और प्रदेश का किसान बिल्कुल समझ चुका है। इससे मोटा मोटी तीनों चीज़ें समाप्त हो जाती हैं जहाँ से किसान का विकास होता है, उसमें मंडी व्यवस्था हो, MSP की व्यवस्था हो, और हमारी जो FCI का जो सिस्टम है वो सारा इन कानूनों में खत्म कर रहा है किसानों को। एक बहुत जल्दी प्रतिक्रिया लेता हूँ, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल अशोक गहलोत पर प्रहार किया है और कहा है कि यहाँ पर बाड़ेबंदी का मास्टर बन गए हैं और जेलर तक कह दिया है, कुछ कहेंगे अशोक गहलोत के लिए आप गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर? देखिए गजेंद्र सिंह जी शेखावत का बयान बिल्कुल ही गलत है, और वो तो खुद जब उन्होंने सरकार गिराने का जो प्रयास किया राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों को खरीदने का, निर्दलीय विधायकों को खरीदने का और कांग्रेस की सरकार गिराने का जो उनका प्रयास किया, उस उनका जो चेस्टली चेहरा है वो जनता के सामने आ गया था। आज वो दिल्ली में जाकर FIR करवा रहे हैं, राजस्थान में आकर बयान नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत केंद्रीय जल मंत्री है, उनको इन बातों में ध्यान देने की बजाय राजस्थान को जो पानी का पैसा मिलना चाहिए, केंद्र सरकार से 90% पैसा मिलता है, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार ये मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि घर घर पानी पहुंचाने की जो केंद्र की योजना है उसमें राजस्थान में 90% पैसा दिया जाए, लेकिन उसमें वो कुछ नहीं कर पा रहे। राजस्थान के तमाम सांसद राजस्थान की पैरवी केंद्र में करने में फेलियर हो रहे हैं। तो BJP के तमाम सांसदों और गजेंद्र सिंह जी की बातों में कोई दम नहीं है, और मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान में अशोक गहलोत एक ऐसे नेता हैं, गांधीवादी नेता है, जो एक गांधीवादी तरीके से चलते हैं, और लोकतंत्र को बचाने का काम अशोक गहलोत ने किया है, और मैं समझता हूं कि गजेंद्र सिंह जी का यह बयान बिल्कुल ही निराधार और सार्थक नहीं है। अकलियत के कल सारे मोहम्मद भी आए थे, अकलियत में कुछ फूट फूट बताई जा रही है, कुछ हुआ? कहीं कुछ भी नहीं, जो भी ये बातें हैं गलत है। आपने अगर कल की मीटिंग देखी होगी तो दो मीटिंगें थी कल शाम को विधानसभा में, शानदार मीटिंग थी, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए ये कांग्रेस के लीडर्स हैं, स्वभाव के कांग्रेस की बात करेंगे, लेकिन जिस तरह की बात आ रही है कोशिश कांग्रेस भी कर रही है, और जैसा कि गजेंद्र शेखावत के वार पर पलटवार भंवर सिंह भाटी ने किया, उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत गांधीवादी नेता है। दूसरी तरफ गोविंद मेघवाल ने भी कुछ बातें रखी है, कहा यह जा सकता है भाजपा और कांग्रेस में यहाँ सीधे तौर पर टक्कर है, देखना होगा ये कि क्या RLP कितना वोट ले पाती है, क्या कर पाती है। कैमरा पर्सन रामनिवास के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सुजानगढ़, चूरू।